हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक सिंपली इंडिपेंडेंस डे के ऊपर होने वाला है और ड्राइंग बनाने के लिए मैंने जो रेफरेंस पिक्चर यूज़ किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो बिना देरी किए चलिए ड्राइंग को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस वाटर कलर की मदद से बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्रिम्सन लेक और सैप ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा। सुभाष चंद्र बोस जी की फेस के ऊपर कलर करने के लिए मैं यहाँ पे येलो ऑकर कलर का यूज़ करूँगा और उनके हैट और कपड़े के ऊपर कलर करने के लिए मैं सिंपली ब्रंट सियना कलर का यूज़ करूँगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं इन सारे कलर्स की मदद से किस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा सा बेस लेयर बना ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके तो वाटर कलर पूरा का पूरा सूख जाने के बाद ही हम लोग यहाँ पे ऑयल पेस्टल को यूज़ करेंगे। ओके तो ऑयल पेस्टल की मदद से मैं यहाँ पे पहले डार्क वैल्यूज के ऊपर काम कर लूँगा, जिसको करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउन कलर का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखो कि मैं ब्राउन कलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस जी की फेस के ऊपर किस तरीके से ब्राउन कलर की मदद से शेडिंग को कर ले रहा हूँ डार्क वैल्यूज के ऊपर। इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान दो और सिंपली मैं किस तरीके से कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से देखो। ओके तो फेस के ऊपर ब्राउन कलर की मदद से डार्क पैलेट्स के ऊपर शेडिंग कर लेने के बाद मैं यहाँ पे उसी ब्राउन कलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस जी की जो सर के ऊपर टोपी है उसके ऊपर भी कलरिंग कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि मैं कौन सी एरिया के ऊपर ब्राउन कलर को यूज़ कर रहा हूँ और कौन सी एरिया को छोड़ के कलरिंग कर रहा हूँ। ओके तो ब्राउन कलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस जी की सर के ऊपर जो हैट है उसके ऊपर कलरिंग कर लेने के बाद मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर की मदद से हेड में जो भी मीडियम एरियाज है यानी कि मिडिल वैल्यूज है उसके ऊपर कलरिंग कर लूँगा। लाइट ब्राउन कलर की मदद से मिडिल वैल्यूज के ऊपर कलरिंग कर लेने के बाद आखिर में मैं हाइलाइटेड एरियाज के ऊपर येलो ऑकर कलर की मदद से कलरिंग कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन सी एरिया हाइलाइटेड होने वाला है और कौन सा एरिया मिडिल वैल्यू होने वाला है। और हैट के ऊपर पूरा कलरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली सुभाष चंद्र बोस जी की फेस के ऊपर जो भी एरिया को मैंने छोड़ के कलरिंग किया था उस एरिया के ऊपर येलो ऑकर कलर की मदद से कलरिंग कर लूँगा। और आप लोग रेफरेंस पिक्चर में अच्छी तरीके से देखो कि कौन सी एरिया हाइलाइटेड एरिया है। जो भी हाइलाइटेड एरिया होगा उस जगह के ऊपर आप लोगों को येलो ऑकर कलर की मदद से हल्के हाथ से शेडिंग करना है और येलो ऑकर कलर की मदद से पूरे फेस के ऊपर कलरिंग कर लेने के बाद जिस भी जगह के ऊपर हम लोगों ने येलो ऑकर कलर को हल्के हाथ से यूज़ किया था उस जगह के ऊपर सिंपली वाइट कलर की मदद से कलरिंग कर लेंगे। ओके तो गाइस सुभाष चंद्र बोस जी की फेस के ऊपर और उनके हैट के ऊपर पूरा कलरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं इसको कर लूँगा ब्लेंड। ब्लेंड में यहाँ पे कॉटन बर्ड की मदद से किया हूँ और ब्लेंडिंग करने से पहले मैं कॉटन बर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत वाइट कलर को घिस लिया हूँ, जिसकी मदद से हमारा जो ब्लेंडिंग होगा वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा और कहीं पे भी कलर फेड नहीं होगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखो कि मैं किस तरीके से फेस के ऊपर और हैट के ऊपर ब्लेंडिंग को कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके तो गाइज सेकेंड लेयर में कलरिंग कम्प्लीट हो जाने के बाद मुझे लग रहा है कि कलर करेक्शन का कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेलिंग को स्टार्ट कर दूंगा। डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कैमल की सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल को यूज़ किया हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल को किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। आप लोगों को सिंपली जो भी एकदम डार्क वैल्यूज है लाइक आई के ऊपर की एरिया में, आईब्रोज में, आई बॉल्स में और नोज की एरिया में जहाँ पे एक्सट्रीम डार्कनेस है उस जगह पर ही आप लोगों को सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल का यूज़ करना है। तो आप लोग मेरी बातों का ध्यान रखना और अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि आप लोगों को किस तरीके से सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल को ड्राइंग के ऊपर यूज़ करना है।
और जिस तरीके से मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को फेस के ऊपर यूज़ किया था, ठीक उसी तरीके से मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हैट के ऊपर भी यूज़ कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइज हैट के ऊपर और फेस के ऊपर डिटेलिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कपड़ा पहना हुआ है उसके ऊपर कलरिंग कर लूँगा, जिसको करने के लिए मैं यहाँ पे तीन कलर का यूज़ किया हूँ। पहले डार्क ब्राउन, उसके बाद ब्राउन और आखिर में वाइट कलर। तो डार्क ब्राउन कलर की मदद से आप लोगों को डार्क वैल्यूज़ के ऊपर कलरिंग करना है, ब्राउन कलर की मदद से बाकी सारी एरियाज़ के ऊपर कलरिंग कर लेना है, और आखिर में जो भी थोड़ा बहुत हाईलाइटेड एरिया है उस जगह के ऊपर वाइट कलर का यूज़ करना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और कपड़े के ऊपर भी कलरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग को कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइज अब मैं यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर कलरिंग कर लूँगा। तो बैकग्राउंड के ऊपर जो ऑरेंज एरिया है उस जगह के ऊपर कलर करने के लिए मैं यहाँ पे डीप येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड और एकदम आखिर में लेमन येलो कलर की मदद से कलरिंग कर लिया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से किया हूँ। ओके, तो ऑरेंज एरिया के ऊपर कलरिंग कर लेने के बाद जो वाइट एरिया है उसके ऊपर कलर करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रे कलर, पर्शियन ब्लू कलर और वाइट कलर का यूज़ किया हूँ। और वाइट एरिया के ऊपर भी कलरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद जो ग्रीन एरिया है उसके ऊपर कलर करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली अल्ट्रामरीन ब्लू कलर और लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से कलरिंग को कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और गाइस कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको एक कॉटन बट की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगा, और अलग अलग कलर एरिया के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग कॉटन बट का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं कहाँ पे किस तरीके से ब्लेंडिंग को कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और गाइस ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली ब्लैक कलर पेंसिल की मदद से बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कुछ जगह में सिंपली डिटेलिंग को कर ले रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।